आप करके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो 99% जनता करके ही नहीं देखेगी। मैं जानता हूँ, मैंने एज ए स्टूडेंट करके देखा, मैंने करके। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। बिलीव इट और नॉट, मैं ये मैंने एज ए स्टूडेंट करके देखा, मैंने करके देखा, ठीक है। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करता हूँ, जिनको मैं खुद पे अप्लाई की होती है मैंने स्टूडेंट लाइफ में या टीचिंग लाइफ में, तो मैं उन्हीं के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि किताबें तो बहुत सारी होती है, पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बट आप उनको अप्लाई कितना करते हैं लाइफ में मैटर वही करता। मैंने स्टूडेंट लाइफ में ऐसा देखा हुआ है कि जिस भी क्लास में मैं एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, जिस भी क्लास में मेरा फोकस जो है ना, फोकस दीन दुनिया छोड़ के मैं सिर्फ उसी टीचर की बात सुन रहा हूँ जो वो पढ़ा रहा है, और कुछ ना आगे ना पीछे, कौन साथ बैठा है कौन नहीं बैठा है, छुट्टी हो गई है नहीं हो गई है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस उसकी बात, उसका वो बैबलिंग चल रही है और मैं उसी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि अच्छा लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, अच्छा इसको इससे रिलेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो मेरा फोकस है ना भाई, और ये मत सोचना, ठीक है, ये जो फोकस है कि ये कितनी हेल्प करता है, कितनी हेल्प करता है, ठीक है, इसका आपको कोई भी अंदाजा नहीं है। ये आप करके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो 99% जनता करके ही नहीं देखेगी। मैं जानता हूं, जानता हूं, आपको लगता है जो हर एक एडवाइस दी जाती है हर एक बच्चा सुन के उसको अप्लाई कर लेगा, इसका आंसर है नो, नो एंड ए बिग नो। समझदार और बेवकूफ में एक ही अंतर होता है, एडवाइस सबको मिलती है, जो सुन लेता है वो समझदार होता है, जो नहीं सुनता वो बेवकूफ होता है, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो फोकस है मैंने ऐसा भी देखा है, विश्वास हो ना हो आपके ऊपर, मैं आपको विश्वास दिलाने नहीं आया हूं, आप में से तो कईयों को ये भी अभी तक विश्वास नहीं हुआ कि अगले साल रिजल्ट जबरदस्त आने वाला है, आपको तब विश्वास होगा जब आपका रिजल्ट खराब आएगा, इसी बैच से रिजल्ट बहुत जबरदस्त आएगा तब आपको विश्वास होगा, तो आपको विश्वास दिलाने नहीं आया हूं मैंने ऐसा तक देखा है, खुद देखा है, अपने आप को देखा है। सर ने एक टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, किसी एग्जाम के लिए, जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको नीट के लिए, ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेटली हजारों टॉपिक्स होते हैं, तो सैकड़ों टॉपिक्स होते हैं, अगर हजारों नहीं होते तो सैकड़ों टॉपिक्स होते हैं, आपको टॉपिक में रिवाइज करना भूल गया, मतलब कि सर ने पढ़ाया उस समय जो भी पढ़ा एक दो दिन पढ़ा, जब एग्जाम में जाना था फाइनल एग्जाम देने वो मैं भूल गया, ठीक है, कि यार वो टॉपिक रिवाइज करना था, वहां जाके याद आया, अबे यार ये तो टॉपिक पढ़ाया था सर ने, यार मैं तो रिवाइज ही नहीं किया। बिलीव इट और नॉट, आप विश्वास दिलाने नहीं आया आपको, मैंने अपने अपनी आईज क्लोज करी, ठीक है, अपने आप में सोचना शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया, ठीक है, और मुझे वो पूरी की पूरी क्लास के जो मैक्सिमम टॉपिक्स थे मेरे को याद आ गया, अच्छा यार सर ने ना उस दिन ये शर्ट पहन रखी थी, सर ना बोर्ड पे यहाँ पे ये लिख रहे थे, ये लिख रहे थे, वो बोर्ड बाय बोर्ड जो है वो छपना शुरू हो गया, एंड वो क्वेश्चन जो पेपर में आया था मैं उसे सॉल्व करके आया। अब इसका जो मेन क्रस्ट है वो ये है, ये अगली लाइन है, इसका मेन क्रस्ट क्या, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके टीचर के पास बहुत ज्यादा दिमाग है, सर आपका दिमाग ही ऐसा होगा, ठीक है, आप बहुत ज्यादा शानदार होंगे, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। आप मेरी किसी बात का विश्वास करना या ना करना, लास्ट वाली बात का पक्का विश्वास करना, क्यों, क्योंकि ये मैंने माइंड को अपने ट्रेन किया है ऐसा करने के लिए, ये ट्रेंड नहीं है, ये बचपन से ऐसा नहीं है, कुछ लोगों की होती है फोटोजेनिक मेमोरी, बट ऐसे लोग लाखों करोड़ों में एक होते हैं, मैं उनके बारे में, उनमें से तो नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल आप जैसा हूं, इसको मैंने ट्रेन किया ऐसा करने के लिए, ऐसा तो कर 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 कि क्लास का फोकस अपना इतना ज्यादा बढ़ा लिया एज ए स्टूडेंट टाइम में, कि 6-6 महीने बाद भी अगर मेरी रिविजन में भी कमी रह जाए, वैसे रहने नहीं देता था मैं, ठीक है, बट अगर बाय चांस कोई एक का टॉपिक रह भी जाता है, भगवान थोड़ा इंसान है यार, ठीक है, कि अगर कमी रह जाए तो मुझे वो टॉपिक क्लास में जब पढ़ाया गया था सब याद आ जाता था, सबका मतलब ये मैंने किया है खुद, और मैं बिल्कुल आपके जैसा हूं। आप ये कह के मेरी तौहीन मत करिएगा कि सर आपका तो दिमाग ही बहुत अच्छा होगा, आई हैव ट्रेन्ड माय माइंड टू डू सो, एंड यू कैन आल्सो डू सो विद द सेम, मतलब फोकस फोकस एंड फोकस।